नमस्कार सभी को uh, मेरा नाम गरिमा जोशी है मैं यू में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यू शब्द मैंने पहली बार जब एट डेज़ का एफ जुलाई 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया यू में तो मैं उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेम्बर थी और मैंने ये प्रोग्राम एक कंपल्शन के रूप में ज्वाइन किया लेकिन प्रोग्राम के ख़त्म होते होते मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इस पूरे ही प्रोसेस के थ्रू बहुत सहज हो गई थी मेरे अंदर एक शांति का भाव था और इस शांति में मैं बने रहना चाहती थी तो इसलिए मुझे ऐसी नीड महसूस हुई कि मुझे और इस कंटेंट को एक्सप्लोर करना है अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो उस समय मैं एक इमोशनल प्रोफेशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजर रही थी और इन चीज़ों पे बात करते हुए मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि बहुत बार मेरे आंसू भी निकल जाते तो एक तरह से मेरी स्थिति का आंकलन भी मैं कर पाई कि ये एक स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन का फेज है जहाँ पे मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ बाहर एक काम कंपोज्ड बैलेंस्ड पर्सनालिटी दिखने वाली गरिमा अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस कर रही थी रिश्तों में भी और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लग रहा था कि जितनी मेहनत कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है और यही चीज़ एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा लगने लगा मुझे ये सब मेरी स्थिति थी तो अगर मैं ये कहूँ कि यू के एफ के बाद और इसको और एक्सप्लोर करने के बाद क्या की प्रपोज़ल्स रहे तो उसमें सबसे पहले मेरा इस चीज़ पे ध्यान गया कि मेरे अंदर ओवर थिंकिंग है ये मुझे पता था ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है ये मैं जानती थी लेकिन इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है सॉल्व कैसे करना है ये मुझे आइडिया नहीं तो एफ के प्रपोजल में एक प्रोग्राम बताया जाता है जिसमें आप राइट right अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए वेरीफाई भी कर सकते हैं तो इस प्रोग्राम को नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है इन चीज़ों को प्रपोजल्स को जब मैंने समझा तो मेरी जो थॉट प्रोसेस थी वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो गई वहाँ पे मैंने बहुत आराम महसूस किया सेकंड चीज ये थी कि मैं ओवर थिंकिंग के चलते रॉन्ग कंक्लूजन बहुत जल्दी निकाल देती थी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कि अब ये थॉट प्रोसेस आ रही है तो जल्दी से कुछ कंक्लूजन निकालो ताकि ये खत्म हो और इस रॉन्ग कंक्लूजन के चलते लोगों को बाइनराइज करना कि जो जिनको मैं मानती हूँ कि ये सही है इनका व्यवहार सही है वही सही लोग होते इसके अलावा अगर उस हिसाब से नहीं है तो ये गलत इंसान है या जब मैं अपने से नीचे किसी को देखती थी जो मुझसे कम है तब मुझे लगता था कि हाँ इसके लिए उदारता का भाव होना चाहिए इसके लिए मैं कुछ कर सकती तो इस तरह की चीज को मैं बहुत आसानी से टैकल कर पाई उसके बाद मैंने परिवार में ये महसूस करती थी मैं कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ एक रिस्पेक्ट का भाव ही रहता है और उनके साथ बहुत सी बातें कहते हुए मैं रुक जाती थी और ये सोचती थी कि कॉन्फ्लिक्ट हो हारमनी बनी रहनी चाहिए लेकिन वो कन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर डेवलप होता है और फिर ऐसे चांसेस इन, आते हैं कि दस पंद्रह दिन में एक बार बहस हो जाए बहस हो गई तो काफ़ी दिन तक बात नहीं हो रही है उसमें और अनकंफर्टेबल हो जाना तो वहाँ पे मैंने ये रियलाइज किया कि मैं अब अपना प्रपोजल उनके सामने रख पाती हूँ बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे अभी बात शुरू नहीं हुई है लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे मैं अपना प्रपोजल रख पाती हूँ और वो भी बहुत अच्छे से रिस्पोंड कर रहे हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप बेहतर हुआ है मेरी जो नेक्स्ट जिम्मेदारी है मेरी टीन डॉटर है फोर्टीन ईयर्स की तो उसके लिए मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए जितना करती हूँ क्या पेरेंटिंग मैं सही भाव से कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ इसमें जब मुझे ये लगता था कि वो कुछ गलत कर रही है तो आई यूज टू शाउट अलॉट और उसमें एंड ये होता था कि अल्टीमेटली वो भी दुखी है और मैं भी दुखी हूँ इस प्रपोज़ल के दौरान मुझे ये देखने का मौका मिला कि उसके अंदर भी एक सेल्फ है और वो सेल्फ भी खुश रहना चाहता है एज अन बींग उसकी अपनी जर्नी है और उसको रियलाइज़ करने के लिए वो अल्टीमेट एम उसके लिए मुझे एक कंड्यूसिव इन्वामेंट बनाना है ना कि उसको कंट्रोल करके रखना है तो वहां पे हम दोनों की भी डिस्कशन स्टार्ट हुई और हम बात अब बात करने की स्थिति में है ना कि एक कंट्रोल एंड एक बच्चा और माँ की स्थिति वैसी नहीं है मेरा स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशंस रहते हैं उनको गाइड करना उनको मेंटर करना मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है तो यूजुअली आज से पहले ये होता था कि मुझे लगता था कि हाँ प्रॉब्लम लेकर आया है अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है लेकिन अब मुझे उससे आगे समझ आता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स में सही समझ को डेवलप कर सकूं, तो वो चीज़ उसको एक्चुअली पूरी लाइफ में हेल्प करेगी जो मोमेंटरली इश्यूज हैं वो तो हम सॉल्व कर देते हैं लेकिन जब बच्चा हमसे दूर जा रहा है तब कैसे इंश्योर करें कि हाँ ये सही ही जी पाएगा और अपनी लाइफ में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रहा है उसको अचीव कर पाएगा तो इस पूरी उसमें एक मैंने अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है और इन जनरल मैं ये मानती हूँ कि लेडीज थोड़ा ज़्यादा इग्नोर करती हैं क्योंकि जब वो घर से बाहर जाती हैं तो उनको दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करने के लिए अपने आप को बैक फुट पे रखना पड़ता है तो यहाँ पे नाइन्टी परसेंट ऑफ द डेज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी कई बार पूरे पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थी और मुझे मेरे कलीग्स भी इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा करते थे मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ कि ये बहुत गलत कर रही है तू तो, तो यहाँ पे मुझे ये भी एहसास हुआ कि बॉडी जब सही रहेगी तभी मैं अपनी भागीदारी दे पाऊंगी और अब मैंने उस चीज़ पे काम करना शुरू किया है मेरी कमिटमेंट इस पूरे प्रोग्राम में अब ये बनी है कि मुझे मानव जीवन को सही उसका जो मीनिंग है उसके हिसाब से समझना है और इसमें बने रहना है उसके लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ और आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद